आ जाओ बेटा, जल्दी आओ थोड़ा। अरे आफ्टरनून आफ्टरनून इसी का बेटा, आफ्टरनून। आओ बेटा थोड़ा जल्दी आओ, कहाँ गए बच्चे? देखो क्वेश्चन ना, एक्सरसाइज 9.2 चल रही थी हमारी, और हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने करा दिया था। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है इसने? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ट्रेपेजियम का जो एरिया दिया है, इसने दिया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दी है, वो दी है 7 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाई 6 मीटर। जो पैरेलल साइड है उसमें देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ करेंगे लेट साइड इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो सेकंड साइड क्या हो जाएगी? उसने बोला है इससे 6 सेंटीमीटर बड़ी है, यानी कि एक एक्स है तो दूसरी एक्स प्लस 6 हो जाएगी। तो फाइंड द अदर टू पैरेलल लाइंस, तो हमें दोनों पैरेलल लाइंस बतानी है कि दोनों पैरेलल लाइंस क्या होंगी। ठीक है, चलिए देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की अगर हम बात करें तो क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये एरिया होता है ट्रेपेजियम का, और ये हमें उसने गिवन है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये 1/2
मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड यानी x प्लस सिक्स इंटू हाइट, हाइट हमारी कितनी है 7 सेंटीमीटर है इज इक्वल टू 105। यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये 1/2 आएगा, x और x कितना हो गया 2x प्लस सिक्स इंटू 7 इज इक्वल टू 105। ठीक है, यहाँ से अब इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमें देखो x की वैल्यू निकालनी है, ये सब क्या है मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में, तो हम यहाँ से 2x प्लस सिक्स इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं 105। ये तो डिवाइड में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करें तो 7 से ये कट सकता है, 7 1 जा 7 और 7 5 जा, ठीक है, तो 15 2 जा कितना हो गया 30। तो ये 2x प्लस सिक्स इज इक्वल टू 30 आ गया, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 30 माइनस सिक्स इज इक्वल टू आ गया 24। तो x इज इक्वल टू 24/2 कैंसिल आउट करेंगे तो 12। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ गया 12, x की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई 12 आ गई। ठीक है, यानी कि जो एक साइड है वो हमारी 12 आ गई, तो सेकंड साइड फर्स्ट साइड इज इक्वल टू 12 और सेकंड साइड हमारी क्या हो गई x प्लस सिक्स है यानी कि 12 प्लस सिक्स इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल, यही हमें दो साइड ट्रेपेजियम की फाइंड करनी थी जो पैरेलल साइड है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर इसके आगे चलते हैं तो इसमें क्या दिया है इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि फाइंड द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ बेसिस ऑफ ट्रेपेजियम हुज एरिया, एरिया दिया है, हाइट दी है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसी की तरह है कुछ कुछ, यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है तो जब हम इसको करेंगे 10 को तो इसमें क्या, फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ बेसिस ऑफ ए ट्रेपेजियम हुज एरिया, तो एरिया दिया है यहाँ पर इसने कि एरिया इज इक्वल टू कितना दिया है 4.2 मीटर स्क्वायर और उसकी हाइट दी है वो हमें दी है 280 सेंटीमीटर, ये 280 सेंटीमीटर दिया है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हाइट हमें सेंटीमीटर में दिया है, एरिया हमें मीटर में दिया है, तो सबसे पहले इस हाइट को भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर ले, मीटर में चेंज कर लें, तो ये क्या हो जाएगा 2.80 मीटर। ठीक है, तो ये मीटर में चेंज हो गई, अब हमें क्या करना है यहाँ से एरिया का फॉर्मूला लगा देना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं बेस 1 प्लस बेस 2 क्योंकि ये बेस ही होते हैं, इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू है 2.80 इजकल टू 4.2 दिया है एरिया। चलिए यहाँ से अगर हम बेस 1 प्लस बेस 2 यही हमें फाइंड करना है, इसको फाइंड करें तो 4.2 ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, ये नीचे आ जाएगा हमारा डिवाइड में। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेंगे ऊपर और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे बढ़ेगी, तो 1 जीरो से 1 जीरो और इस 0 से 1 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से इसको सॉल्व कर दें तो ये कितना आया 42 × 2/28, 2 से ये कट जाएगा 14 टाइम और ये 14 से 3 टाइम, तो इजकल टू 3 क्या आ गया मीटर आ गया 3 मीटर, तो सम ऑफ बेसिस क्या हो जाएगा 3 मीटर। बस यही हमें बताना था इसमें, यही सम ऑफ बेसिस इसने पूछा है। सर आई एम रिचा सिंह, अच्छा कहाँ हैं ये बाकी बच्चे आज, आज पता नहीं कहाँ रह गए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे, आगे क्या दिया है इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है कि द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम 189 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसने दिया है इफ़ द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड जो है उनका रेशियो दिया है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इन 14 सेंटीमीटर और उसकी हाइट हमें दी है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स की हमें लेंथ बतानी है कि जो पैरेलल साइड हैं उनकी लेंथ कितनी होगी। चलिए करते हैं इसको,
क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो क्या दिया है कि द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया हमें दिया है 189 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट उसने सबसे पहले एरिया दिया, फिर उसने पैरेलल साइड का रेशियो दिया है, यानी कि बेस वन रेशियो बेस टू इजकल टू कितना दिया है, 2:7 दिया है। नेक्स्ट इसने क्या दिया है, इसकी हाइट भी दी है, हाइट इसकी दी है 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो हाइट है वो है 14 सेंटीमीटर। चलिए अब हमें क्या करना है, इसकी जो बेसिस है वो हमें फाइंड करना है, यानी कि बेस वन और बेस टू हमें निकालना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक हो जाएगा 2x और एक हो जाएगा 7x जो बेसिस हैं, क्योंकि रेशियो में दिया है तो x हम इसके साथ ले लेंगे। चलिए अगर एरिया का फॉर्मूला लगाएं तो 1/2 इंटू सम ऑफ बेसिस, तो सम कितना आ जाएगा कि 2x प्लस 7x, क्योंकि बेस हैं ये भाई, बी वन हो गया हमारा कितना, बी वन इजकल टू 2x और यहाँ पर बी टू इजकल टू 7x। ये कहाँ से ले लिया हमने, रेशियो से, ये 2 है तो 2x मान लिया, 7 है तो 7x। इंटू हाइट, हाइट कितनी दी है 14 और एरिया हमें दिया है इसने 189, ठीक है। यहाँ से अगर हम अब इसको सॉल्व करें तो देखो सेम वही कंडीशन है भाई, 2x और 7x कितना होता है, 9x होता है, इजकल टू 189, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, ये डिवाइड में है तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब x इजकल टू क्या आ जाएगा, 189 इंटू 2 अपॉन 14, ये भी मल्टीप्लाई में है तो ये भी यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये 2 से 7 टाइम कट गया, ये 7 से कट गया 24 टाइम, ठीक है। तो यहाँ से जब x की वैल्यू क्या आएगी, 24 अपॉन 9 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू 24 अपॉन 9, 3 से कट जाएगा 8 टाइम, 3 से 3 टाइम, यानी कि 8 अपॉन 3। जब x की वैल्यू 8 अपॉन 3 आ गई तो जो बेस 1 है, एक बार रुको एक बार देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 189 दिया, ठीक है, और इनके जो रेशियो दिया है वो 2:7 दिया है, ये भी ठीक है, और ये 14 सेंटीमीटर दिया हाइट, ठीक है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, क्योंकि ट्रेपेजियम का ही दिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 11, 6 सेंटीमीटर, ये x की वैल्यू 3 आनी चाहिए, तो यहाँ से 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, एरिया इज इक्वल टू 189 ही दिया है, 7 × 2 = 14 × 4 = 47 यहाँ हमने गलत कर दिया, 7 × 2 = 14, 7 × 7 = 49 होता है, ठीक है। और ये यहाँ से हम देखेंगे, अब मैं वही तो कह रहा था डिवाइड में कैसे आ रहा है, तो यहाँ से x इजकल टू जब देखेंगे तो 27 / 9, तो 9 से कट जाएगा 3 टाइम, ठीक है। तो बेस वन कितना लिया है हमने, 2x है, 2x है, यानी कि 2 × 3 = 6 हो जाएगा। बेस टू कितना है हमारा, 7x, यानी कि 7 × 3 = 21, तो ये इसके आंसर आ गए, इतने सेंटीमीटर और इतने सेंटीमीटर, ठीक है। दैट्स ऑल, यही हमें करना है इस क्वेश्चन में, बेस वन और बेस टू जो इसके पैरेलल साइड्स हैं वो हमें फाइंड करने हैं। चलिए इसके बाद आता है इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत काम आने वाला चैप्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 12, द पैरामीटर ऑफ ए रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। देखो रोम्बस दिया है, रोम्बस आप समझते हो काइट की तरह होता है, बस काइट और इसमें डिफरेंस होता है, काइट की चारों साइड इक्वल नहीं होती हैं, इसके चारों साइड इक्वल होती हैं। ये मान लो हम ए बी सी डी, ये रोम्बस है, तो इसका पैरामीटर दिया है इजकल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। रोम्बस का पैरामीटर 100 सेंटीमीटर दिया, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है जो इसका एक डायगोनल है
वो 40 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है, एक डायगनल 40 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगनल, तो दूसरे डायगनल की हमें हाइट लेंथ बतानी है, यानी कि ये डायगनल हमें बताना है। तो एक डायगनल तो इसने दिया है 40 सेंटीमीटर, तो दूसरा डायगनल बताना है यानी कि डी टू हमें बताना है कितना होगा। सबसे पहले तो हम देखें यहाँ पेरीमीटर इसने दिया है, जब इसने पेरीमीटर दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी साइड फाइंड कर सकते हैं। तो साइड ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगी, पेरीमीटर अपॉन फोर, ठीक है, पैरामीटर अपॉन फोर, तो फोर से कट जाएगा 25 टाइम, तो 25 सेंटीमीटर क्या आ गई, इसकी साइड आ गई, यानी कि अगर ये भी 25 है तो ये भी 25 होगी, ये भी और ये भी, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ये जो डायगोनल है ये 40 है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 20 होगा, ठीक है, क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 20 है, ये 25 है, तो ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मान लो ये ओ है, तो यहाँ से आप ओ डी निकालो भाई, ओ डी इसमें पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस लगाओगे तो क्या होगा कि ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर। पाइथागोरस हमने लगा दी कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर दिए, तो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी कितना है हमारा, डी सी है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस ओ सी हमारा कितना है 20 है, तो ये 20 का स्क्वायर। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 20 का स्क्वायर होता है 400, तो ये कितना बचेगा 225, क्या ओ डी स्क्वायर। तो यहाँ से ओ डी इजकल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 225, और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15 होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 15 आ गया। तो बी डी, तो डायगोनल यानी कि डी टू क्या हो जाएगा, डी टू होगा हमारा ओ डी प्लस ओ बी, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, जब यहाँ से यहाँ तक 15 है तो ये भी 15 होगा क्योंकि बाइसेक्ट करता है, तो ये आ जाएगा 15 + 15 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। बस ये हमें फाइंड करना था, यहाँ पर डायगोनल ही हमें निकालना था इसका, डायगोनल टू वो हमने निकाल दिया है, ठीक है। चलिए इतना करना था इसमें, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, इसके डायगोनल दिए हैं रोम्बस के, ठीक है। देखो रोम्बस के डायगोनल हमें दिए 13 में कि भाई D1 दिया है और D2 दिया है, कितने कितने हैं, डायगोनल 1 जो दिया है वो 24 है, D2 जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब उस वो बता रहा है कि फाइंड इट्स एरिया, तो इसका एरिया और पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस तो बहुत आसान होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है कि डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये उसका एरिया होता है, ठीक है। ये मैंने उस दिन भी बताया था कि रोम्बस का जो एरिया होता है उसके अगर हमें डायगोनल पता है तो हम बहुत आसानी से उसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 और मल्टीप्लाई में क्या होता है 1/2 होता है। चलिए तो यहाँ से करेंगे 1/2, डायगोनल 1 कितना है 24 और डायगोनल 2 कितना है 10, जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 × 12 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो गया 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, सॉल्व करेंगे इसको तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने पूछा है पेरीमीटर और बताना है, देखो जब हमें एरिया पता चल गया इसका, जब हमें इसका एरिया पता चल गया और हमें इसका डायगोनल पता है तो हम इसकी साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। अब साइड हम कैसे निकालेंगे, साइड के लिए भी मैंने उस दिन बताया था फॉर्मूला कि साइड क्या होती है भाई 1/2 अंडर रूट डायगोनल 1, डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर, ये होती है साइड। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 अंडर रूट में डायगोनल 1 कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर,
यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/2 तो है, ये आएगा 576 और ये आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 अंडर रूट 676, ठीक है। अब 676 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 26 होता है, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे 13 टाइम, तो ये आ गए 13 सेंटीमीटर, ठीक है, साइड आ गए। तो पैरामीटर ऑफ रोम्बस होता क्या है, 4 × साइड, तो पैरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 × साइड, तो 4 × साइड कितनी है, 13, तो 13 × 4 = 52 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, ये इसका वो आ गया क्या, पेरीमीटर, ठीक है। ठीक है, इतना इसमें करना है हमें। चलिए इसके बाद आता है इसका क्वेश्चन नंबर है, कहाँ तक कर दिया हमने, कर दिया 13 तक। इसके बाद आता है 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो। जो पैरेलल साइड है उनका रेशियो दिया है, पैरेलल साइड्स का जो रेशियो दिया है वो हमें दिया है इसने 5:7। तो साइड्स क्या हो जाएंगे, तो साइड एक 5x हो जाएगी और दूसरी साइड क्या हो जाएगी, 7x, ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड, ठीक है। इसके बाद एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम भी 14 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि हाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। देन द स्मॉलर ऑफ पैरेलल साइड्स, तो जो पैरेलल साइड है उसमें हमें स्मॉलर साइड बतानी है कि छोटी वाली साइड कौन सी होगी, कितनी होगी, ठीक है। चलिए तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम कितना हो जाएगा, 5x और 7x, 12x इंटू हाइट कितनी है, 14 है, इज इक्वल टू एरिया 336, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से तो ये 7 टाइम कट जाएगा, तो 12x इज इक्वल टू 336 अपॉन 7, x इज इक्वल टू 336 अपॉन 7 इंटू 12, ठीक है। यहाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 × 4 = 28, 5 बचेगा 7 8 और 12 से 4 टाइम, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4, ठीक है। अब स्मॉलर साइड कौन सी होगी, 5x, क्योंकि 7x तो बड़ी हो जाएगी, तो स्मॉलर साइड जो होगी वो कितनी होगी, 5x, यानी कि 5 × x की वैल्यू कितनी है, 4, 5 × 4 = 20, 20 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल। ये हमें करना था इसमें क्वेश्चन नंबर, देन द स्मॉलर ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये इसमें तो इसने क्या दिया, ऑप्शन दिए, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। एरिया दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दिया है ट्रेपेजियम का
180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर, हाइट दी है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज डबल दैट ऑफ द अदर, तो देखो अगर हम फर्स्ट साइड माने, एक साइड माने तो एक्स मान ले, तो सेकंड वाली साइड कितनी हो जाएगी, उसने बोला डबल है तो दूसरी डबल हो जाएगी 2x। फाइंड द टू पैरेलल साइड, तो दोनों पैरेलल साइड हमें बतानी, एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल एक जैसे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड x और 2x, x प्लस 2x इंटू हाइट 12 इजकल टू 180। x और 2x तो कितना होगा 3x इजकल टू 180, ये 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 12 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये 6 टाइम और यहाँ से ये 30 टाइम, तो 3x इजकल टू आ गया 30, तो x इजकल टू 30, ये मल्टीप्लाई का 3 है डिवाइड में चला जाएगा 10 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। जब x की वैल्यू 10 आ गई तो फर्स्ट साइड तो हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट साइड इजकल टू एक्स है यानी कि 10 हो गई, और सेकंड साइड क्या हो जाएगी 2x यानी कि 2 × 10 इजकल टू 20 सेंटीमीटर। बस यही हमें फाइंड करना था, ये दोनों हमने फाइंड कर दिए, ठीक है। चलिए अगर आगे चले हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ए फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 45.2 मीटर एंड 22.8 मीटर। ट्रेपेजियम है, उसकी पैरेलल साइड्स दी हैं एंड द डिस्टेंस और हाइट दी है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, उसका लेवल हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, सिक्सटीन वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसने बोला है पैरेलल साइड्स, देखो साइड वन या बेस वन, हम मान लें बेस वन इजकल टू इसने दिया है 45.2 और बेस टू इसने दिया है 22.8 मीटर में दिया है दोनों, और इसने हाइट भी दी है, दोनों के बीच की जो हाइट है वो है 12 मीटर, ये 12 मीटर है। अब हमें बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एट इट एट ₹3 पर स्क्वायर मीटर, जो रेट है वो कितना दिया है ₹3 पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल कॉस्ट हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो हम एरिया निकालेंगे कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 45.2 प्लस 22.8 इंटू हाइट कितनी दी है 12, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये आएगा 1/2 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे 78.0 आ गया और ये 12 आ गया, यहाँ से 6 टाइम इतने मीटर स्क्वायर आ गए, ठीक है। चलिए अब टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, भाई टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इनटू कॉस्ट जो है कितनी है 3, तो इतने रुपए हो जाएगी 1404 रुपए, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 16, 1224 कहीं गड़बड़ की है क्या, हमने देखना है एक बार। देखो सम ये बेसिस ही तो दिए हैं, हाँ पैरेलल साइड दिए हैं, हाइट दी है 12, ठीक है, ₹3 पर मीटर पर स्क्वायर मीटर ही दिया है, ठीक है। सम ऑफ 45.2 दिया एक तो ठीक है, और 22.8 दिया, ठीक है। 8 × 2 = 10 एक, 5 × 2 = 7 और 1 = 8, 4 × 2 = 6, अच्छा ये 68 आएगा, ठीक है, ये 68 है, तो ये 408 आएगा, ये 408 आएगा, तो ये चेंज हो जाएगा, इतने रुपए आएगा, ठीक है, 1224 रुपए। चलिए आज के लिए इतना ही है इस क्लास के लिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
आई एम रिचा सिंह सर, आई एम कृष्णा। अरे भैया कहाँ थे बेटा, अभी अभी अब तक कहाँ थे तुम लोग, इतनी लेट आए हो, कहाँ थे अब तक? चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, ठीक है, सेम टाइम पर। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।